नगर निगम चुनाव की आरक्षण कार्यवाही को लेकर कांग्रेस प्रतिनिधियों द्वारा कल आपत्ति दर्ज कराई गई थी। इसी को लेकर भाजपा नगर अध्यक्ष गौरव रणदिवे ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस षड्यंत्र पूर्वक निगम के वार्डों की सूची को दूषित करने की कोशिश की है, फर्जी सूचियां तैयार करने की कोशिश की गई है और कांग्रेस चुनाव के पहले ही हार मान चुकी है, इसलिए वह इस प्रकार के तरीके अपना रही है। कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला के विरोध को लेकर कहा कि यह कार्यक्रम पहले से घोषित था। इंदौर से ब्यूरो के साथ मंथन सेन की रिपोर्ट। देखिए, कांग्रेस ने बड़ी षड्यंत्र पूर्वक इंदौर में नगर निगम की जो वार्ड की सूचियां थी उसको षड्यंत्र पूर्वक पूरा उसको दूषित करने की कोशिश की, उसको फर्जी सूचियां तैयार करने की कोशिश की। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं ने इसको पकड़ा और हमने उसका दुरुस्तीकरण चालू किया। इसलिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि चुनाव से पहले ही कांग्रेस हार मान चुकी है पार्षद चुनाव में, और इसलिए झूठे आरोप प्रत्यारोप उनके स्वभाव में है, वही वो कर रही है। उनका ये कहना है कि यहाँ पर जो है वो डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है, मास्क सैनिटाइजर का उपयोग किया जाना था लेकिन लगातार जो है उल्लंघन किया जा रहा है। आप भी देख रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का जितना और जैसा पालन हो सकता पूरी कोशिश की जा रही है। आरक्षण का ये जो शेड्यूल था पहले से ही घोषित हो चुका था, चुनाव कराने की अपनी एक प्रक्रिया होती है, उसी प्रक्रिया के तहत आज ये आरक्षण हो रहा है। मैंने जैसा पहले कहा कि कांग्रेस को आरोप प्रत्यारोप और नेगेटिविटी के अलावा कुछ नहीं आता। कोरोना का समय है, कुछ लोगों के बीच में रहें, उनके सुख दुख में रहें, लोगों के स्वास्थ्य की चिंता करें। इस समय झूठी राजनीति करने से काम नहीं चलने वाला। बैठक व्यवस्था जो थी वो आपके द्वारा भी फोन की गई थी, आपने भी वहाँ पर तो बैठक व्यवस्था की पर्ची हटा के बैठे हैं? नहीं, मैं बिल्कुल पर्ची हटा के नहीं बैठा हूँ। एक टेप बीच में लगी हुई थी जो मेरे कपड़े पे चिपक रही थी, इसलिए उसको हटाया। मैं भी दूरी से ही बैठा हूँ, जितनी दूर आप लोग खड़े हैं उससे ज्यादा दूरी से मैं बैठा हूँ। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।